तो गाइज ये हमारा पहला व्लॉग और आज के व्लॉग में मैं बनाने वाला हूँ एक रैंच सिमुलेटर का चिकन कोप। वैसे आपको एक चीज और दिखानी थी, यहाँ पर ना मैंने एक डब्बा और बना रखा है, देखो ये वाला है। इसमें बस एक गेट लगना बाकी है, ये लग जाएगा ना तो कुछ एक नई चीज बनेगी। इस पर एक ढक्कन भी है, मेरे को कमेंट करके बताना इसका मैं क्या बनाने वाला हूँ। तो ये देख रहे हो, ये रैंच सिमुलेटर का चिकन कोप है जिसमें एक तरफ ये बक्सा है और एक तरफ ये जाली है। तो मैं जाली वाला पार्ट हटा के सिर्फ बक्सा बनाने वाला हूँ, और ये जाली को मैं बाद में बनाऊंगा जब काफी ज्यादा बड़े हो जाएगी। जो भी चीज मैं इसमें रखूंगा तब मैं इसको बनाऊंगा। बाकी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा होगा कि एक अंदर ऐसे गेट होगा जिसके लिए मैं जगह छोड़ दूंगा, और एक यहाँ सामने मैं गेट बनाऊंगा। बाकी छत ऐसी नहीं होने वाली, सिंपल प्लेन होने वाली है, और ये जाली का काम बाद में करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। ओके, लकड़ियाँ तो हमारी कट चुकी है, ये छोटे मोटे पीस ही काट के मैंने रखे हुए हैं, पर अभी कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, कुछ कील वगैरह और कुछ चीज़ें अगर इसमें मिल जाए तो। देखते हैं भाई इसमें मिल जाए जो मुझे चाहिए। थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई, थोड़ी सी बस कील और लोक वगैरह की चीज़ें ये मिल जाए बहुत है भाई। भाई बहुत सारा सामान है इसमें, ठीक है दो चीज़ें तो मिल गई है जिसमें से एक चीज़ कभी यूज़ नहीं होने वाली, लेकिन हाँ ये कब्जे यूज़ होने वाले हैं। चलो बढ़िया है भाई, ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, सारा काम यहीं से हो गया, और इनकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन अब इनमें से मुझे कुछ कील छाटनी पड़ेगी भाई। कोई नहीं, थोड़ी बहुत कील मिल जाए, ऐसे कील की जगह इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके ऊपर चलते हैं, सारा सामान ऊपर ही रखा हुआ है मेरा। यार मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा सामान है, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या पकड़ूँ। हथियार वथियार सब कुछ है, मतलब औजार वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। तो पहले मेरे को इनमें निशान विशान लगाने पड़ेंगे, उसी के बाद ही कुछ हो पाएगा। यहाँ से मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, और सबसे पहला मेरा काम था एक फ्रेम बनाना। और यहाँ मैं अपना -100 वाला IQ चला रहा हूँ भाई, मतलब बिना पकड़े बिना सहारे लिए मैं इसे ठोकने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और ये फिर मैंने काम शुरू कर दिया। बस इसमें थोड़ा सा फेविकोल और एक एक कील लगा के मैंने पूरा फ्रेम तैयार कर दिया। देखो ये है हमारा फ्रेम जो पूरा बन के तैयार है। ये वैसे काफ़ी ऊंचा भी है, मैं इसको बाद में काटूंगा। इसको जोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मैंने इसमें बीच में ये छोटी छोटी चीज़ें भी लगा रखी है ताकि ये थोड़ा सा मजबूत बना रहे। ये देखो थोड़ा सा और काम। वैसे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं, कि मेरी जो खिड़की है ना, यहाँ पर खिड़की पर दो छोटे छोटे कबूतर के बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसे बड़े तो हो गए लेकिन ये ज़्यादा उड़ नहीं सकते, इसलिए यहीं पर बैठे रहते हैं। चलो इनको परेशान नहीं करेंगे भाई। तो अभी ये हमारा दूसरा दिन है और इतना अभी बन चुका है ये। वैसे मेरे पास अभी काफ़ी सारे पीस तो है, लेकिन इनको लगाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है। मुझे छोटा बनाना था, लेकिन अब क्या करें, अब इसी में करना पड़ेगा, सारे पीस छोटे छोटे लगाने पड़ेंगे इसी में से। तो एक छोटा सा नुकसान भी हो गया यार, इसकी एक टांग टूट गई। अब मेरे को सोचना पड़ेगा कि इसको मैं कैसे ठीक करूं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा इसमें। वैसे देखो मैंने इतना ज़्यादा इसको कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पर मैंने ये वाली जाली लगाई है, कुछ उल्टा पुल्टा जुगाड़ कर कुरा के मैंने इसको सेट कर दिया कैसे ना कैसे करके। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मैंने इसको थोड़ा सा छोटा भी कर दिया है, दिख रहा होगा ऊपर से, एक एक फिट मैंने इसको छोटा करा है।
क्योंकि मेरे पास लकड़ियाँ कम पड़ रही थी यार। तो इसका गेट कंप्लीट करना है, गेट का भी सामान है। अभी लकड़ियों की भी मेरे पास कमी पड़ रही है, इसलिए छोटी छोटी लकड़ियों से ही मेरे को काम लेना पड़ रहा है। मुझे थोड़ी बहुत और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। मैं सोच रहा था मार्केट से थोड़ी और ले आऊं, लेकिन नहीं, अभी मैं कोई भी खर्चा नहीं करने वाला। जितनी भी लकड़ियां हैं इन्हीं में से ही काम करने वाला हूँ सारा। तो ये हमारा गेट होने वाला है, मेरे को बस थोड़ा सा इसको काट पीट के छोटा करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा और जुगाड़ करने की कोशिश, जो कि फेल हो गया है बिल्कुल ही, क्योंकि कील ही नहीं जा रही, ऊपर से लकड़ियां फटती जा रही थी मेरी। तो इतना मेरा कंप्लीट हो चुका है, फ्रेम पूरा तैयार हो चुका है, बस इसमें अभी गेट बनाना बाकी है। तो गेट का फ्रेम पूरा का पूरा तैयार हो चुका है, थोड़ा सा मैंने इसको मजबूत किया है नीचे लकड़ी लगा के, और जो मेरा गेट है वो भी तैयार रखा होगा, दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा गेट है जो लगने वाला है। अब देखो, अब ये कंप्लीट हो चुका है, मैंने गेट भी लगा दिया इसमें, जो कि काम कर रहा है। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। वैसे मैं सोच रहा था कि नीचे उतरने का बन जाए, लेकिन गेट छोटा है उसकी वजह से नहीं बन पाएगा, तो ये खुलेगा और बंद होएगा बस। तो शाम को काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, इसलिए मैंने इसको ढक के रखा हुआ है अच्छे से, ताकि इसमें पानी वानी ना घुसे, क्योंकि अभी इसमें छत रह गई है ना बनानी। और आज इसका लास्ट दिन, आज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, बस इसमें छत लगानी और थोड़े मोटे जो घट्टे वड्डे वगैरह और मजबूती है वो सारा काम करना है। तो आज ये बनके तैयार होने वाला है। वैसे अभी थोड़ा बहुत और मजबूती का काम रह गया है इसमें, और मजबूती के लिए एक काम और करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक फेविकोल का डब्बा पड़ा हुआ है, और एक चीज़ और पड़ी हुई है मेरे पास, जो कि है एक बुरादा, मतलब जो लकड़ी से निकलता है ना वो है। तो करना कुछ नहीं है, ये लेना है और ये इस डब्बे के अंदर मुझे मिक्स करना पड़ेगा, पर ये देखना पड़ेगा कि कितना मिक्स करना है। मैं ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगा, कम ही मिक्स करूँगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगा, मुझे और फेविकोल डालना पड़ जाएगा इसमें। ओके, तो जहाँ जहाँ यहाँ मुझे गड्ढे दिख रहे हैं, जितने भी इसमें गड्ढे दिख रहे हैं सारे के सारे मुझे भरने पड़ेंगे। ये छोटे छोटे जो गड्ढे दिख रहे हैं ना, इसके अलावा और भी गड्ढे हैं, जब छत बनाऊंगा उसमें भी मुझे भरने पड़ेंगे सारे। तो अभी एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि इसके अंदर मैं पेंट करूँ, मैं इसमें वाइट कलर करने वाला हूँ, और बाहर भी सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कलर इसमें करूँ, पर वो अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। तो काफ़ी बारिश आ रही थी इसलिए ढक के रखना पड़ा है मुझे इसे। ओके, तो ये बनके तैयार हो चुका है, बस थोड़ी बहुत इसकी सफाई करनी है, बाकी जो इसका एक हिस्सा वो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा हिस्सा मैं जल्दी ही कंप्लीट करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर कुछ लाने वाला हूँ, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं इसमें क्या रखने वाला हूँ। बाकी ये इसका गेट है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है अंदर, एक साइड में भी एक और गेट होने वाला है जो बाद में खुलेगा, अभी नहीं।